नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में और एक पिटीशन दाखिल हुआ है लोन मोरेटोरियम रिलेटेड। ये बार पिटीशन दाखिल किया है क्रेडाई MCHI की तरफ से। क्रेडाई ये रियल इस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन है और MCHI महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, ये महाराष्ट्र का क्रेडाई है, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया है। हम आपको बता दें कि क्रेडाई के पास ऑलमोस्ट 1400 रियल इस्टेट डेवलपर्स का रजिस्ट्रेशन है। इतने सारे डेवलपर्स जो है, रियल इस्टेट डेवलपर्स क्रेडाई के अंदर रजिस्टर्ड है, इनका सबका एसोसिएशन है। और इन्होंने पिटीशन दाखिल किया है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। और ये पिटीशन के मेन एडवोकेट है, क्रेडाई की तरफ से एडवोकेट है कपिल सिब्बल सर। कपिल सिब्बल सर को हम जानते हैं, सीनियर एडवोकेट है, उनके बारे में कुछ जानकारी खास देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं उनको। तो ये पिटीशन है, क्रेडाई ने दाखिल किया है। हम आपको बता दें कि ये पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने RBI और साथ ही साथ सेंटर को नोटिस इशू किया है। उन्होंने RBI और सेंटर को बोला है कि आप रिलीफ पैकेज अनाउंस करो, इंटरेस्ट माफ करने के रिलेटेड रिलीफ पैकेज आप अनाउंस करो, ऐसा उन्होंने बोला है। ये पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, ये वाला पिटीशन है, इसको जोड़ दिया है पुराना वाला जो लोन मोरेटोरियम का पिटीशन है उसके साथ। उन्होंने ये पिटीशन को भी टैग किया है, मतलब सेम टाइप के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट टैग करते हैं। जो पुराना इंटरेस्ट मोरेटोरियम का एक पिटीशन था गजेंद्र शर्मा जी का, उसके साथ ये पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने टैग कर दिया है, सेम पिटीशन है। इसलिए आइए जानते कि क्रेडाई ने कौन से मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे इंटरेस्ट वेवर के लिए, इंटरेस्ट माफी के लिए। तो सबसे पहले क्रेडाई ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि ये जो RBI का सर्कुलर आया था मोरेटोरियम रिलेटेड, तो ये वाला सर्कुलर जो है ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि ये सबको एप्लीकेबल नहीं किया गया। कुछ बैंकों ने, कुछ NBFC ने तो ये सर्कुलर जो है इसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास पावर थी कि आप मोरेटोरियम दोगे या नहीं दोगे, तो कई NBFCs ने ये पावर नहीं लिया, उन्होंने कई लोगों को मोरेटोरियम नहीं दिया था। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए था और सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, इन्होंने सबको मोरेटोरियम देना चाहिए था, कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहिए था इसमें। उन्होंने, कई बैंकों ने तो ऑप्शन दिए, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, ऐसा कई बैंकों ने किया है। तो ये बात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है। उन्होंने ये भी बोला, अपने रियल इस्टेट इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ मुद्दे उन्होंने रखे। उन्होंने बोला कि हम अभी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में, हमारा काम हो रहा है, हम डिस्ट्रेस में, हम तकलीफ में, और हमें अब बूस्ट होने की जरूरत है और हमें कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन ऑर्डर जो है, जो हमें हमारा काम करने के लिए रोक रहे थे, वो एक्चुअली घटना का आर्टिकल जो है 19(1)G उसके खिलाफ है। हमें रोका गया काम करने के लिए, हम समझते, उन्होंने आगे भी बोला कि हम समझते हैं कि ये सर्क्यूमस्टांसेस से जो इवेंट हो रही थी बीमारी की, उसके कारण लॉकडाउन होना जरूरी था, लेकिन आपने हमें रिलीफ या फिर रिलैक्सेशन देना चाहिए था। उन्होंने कोर्ट के सामने बोला है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है वहां काम हो रहा था, हमें मना किया गया था, तो हमें अलग से रिलीफ पैकेज या फिर कोई रिलैक्सेशन मिलने चाहिए थे। उन्होंने बात करी है इंटरेस्ट वेवर, इंटरेस्ट माफ करने की बात वो कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने कहा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो सेक्टर काम कर रहे थे उनको भी सेम टाइप का बेनिफिट मिला, हमें भी सेम टाइप का बेनिफिट मिला, मतलब हमें क्या फायदा हुआ, हम तो बंद थे, हमें कंपल्सरीली बंद रखा गया था। उन्होंने और एक मुद्दा कोर्ट के सामने रखा कि ये जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री होते ये बेसिकली काम करते हैं लोन पे, तो उनके लोन के EMI वो भरते रहते हैं, लेकिन कब भर पाते, जब कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होता है तब खरीदार उनको पैसे देता है। कंस्ट्रक्शन होता है स्टेप वाइज कंप्लीट होता है, जैसे जैसे स्टेप होते हैं वैसे वैसे घर बनते रहता है और खरीदार है वो वैसे वैसे उनको पैसे देते रहता है, तो अकॉर्डिंगली वो बैंक के EMI भरते रहते हैं। लेकिन ये मोरेटोरियम पीरियड में क्या हो रहा है, हमारा कामकाज बंद है, तो खरीदार तो हमें पैसे नहीं देने वाले, लेकिन हमें EMI तो लग रही है, बैंक हमको मोरेटोरियम पीरियड में भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो हमें वो तो देना है और खरीदार तो हमें पैसे देने वाले नहीं है। उन्होंने कोर्ट के सामने और एक इंपॉर्टेंट बात रखी, उन्होंने पैसे कितने इन्वॉल्व है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में वो भी बात कोर्ट को बताई। उन्होंने बोले कि हाउसिंग जो है, हाउसिंग रियल इस्टेट सेक्टर है, उसमें अपने देश के 13,38,964 करोड़ रुपए उनके इन्वॉल्व है,
और उन्होंने ये भी बात बोली कि कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें इन्वॉल्व है 2,27,770 करोड़ रुपए कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर के इन्वॉल्व है। अगर रियल इस्टेट सेक्टर अगर दयनीय अवस्था में मर जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अपने देश का, क्योंकि इतना सारा पैसा रियल इस्टेट सेक्टर का इन्वॉल्व है। उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये जो हमें रिलीफ दिए गए थे, मतलब जो मोरेटोरियम स्कीम वगैरह टाइप का अनाउंस किया था, वो हमें इल्यूजरी लगा, हमें कुछ लगा ही नहीं कि हमें कुछ बेनिफिट मिला है। और जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो डिस्क्रिमिनेशन नजर आया, मतलब जो जो हम बात कर रहे थे कि कुछ सेक्टर काम तो कर रहे थे और हम तो काम बंद था, लेकिन दोनों को सेम टाइप का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया गया। तो लेकिन उन्होंने बात बोली है कि हमें मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट अगर माफ नहीं किया गया तो हमें कुछ मदद नहीं मिलेगी, हमें लगेगा ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने मदद किया है, हमें ऐसा लगेगा ही नहीं। उनका कहना है कि इंटरेस्ट जो है वो माफ होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है ये अपने जीडीपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने जीडीपी में रियल इस्टेट सेक्टर का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर रियल इस्टेट सेक्टर को अगर तकलीफ हुई तो वो सारे देश को नुकसान करेगा, सारे देश के नागरिकों को नुकसान करेगा और अपनी इकोनॉमी जो है देश की पूरी उसको भी नुकसान कर सकता है। रियल इस्टेट सेक्टर की तरफ उन्होंने अपना अटेंशन दिया है, उन्होंने बोला है कि हमें कोई रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए इंटरेस्ट वेवर के रिलेटेड। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और साथ ही साथ आरबीआई को उन्होंने नोटिस भेजा है, उन्होंने उनको बोला है कि आप कोई रिलीफ पैकेज फॉर्मुलेट करो, जो रिलीफ पैकेज फॉर्मुलेट करो जो इंटरेस्ट माफ करेगा। इंटरेस्ट माफी के लिए उन्होंने बोला है कि आप कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करो। तो हो सकता है कि कोई पैकेज अनाउंसमेंट हो सकती है, आरबीआई की तरफ से कोई पैकेज अनाउंसमेंट हो सकती है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।